ठीक है तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चूंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज के भी क्वेश्चन आएंगे तो आज हम लोग यहां पे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यानी ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जो ज्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी हो एग्जाम में आने की। ठीक है, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज के लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक पे हमने कुछ क्वेश्चन लाए हैं जिसे हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, हाँ, एमसीक्यूज के अलावा भी मैंने लाइंस एंड एंगल्स के सारे चैप्टर्स के सारे जो टफेस्ट क्वेश्चन थे और जो बहुत ज्यादा जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, मैंने उनके भी वीडियोस बनाए। चाहे तो आप लोग लाइंस एंड एंगल्स की प्लेलिस्ट से आप लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। फिलहाल यहां पे आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यूज का। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, कह रहा है कि इस फिगर में क्या है, एक ए बी है, देखो ये क्या है ए बी है, कह रहा है ये सी डी के क्या है पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन ए बी क्या है बाबू पैरेलल है किसके, इस सी डी के। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है इफ एंगल बी ए ओ, क्या बी ए ओ सीधे बीच वाला देखा करो, क्या बीच वाला, क्या बाबू बी बीच में क्या ए, यानी ए ये दिख रहा है, तो बी ए ओ कितने बराबर दिखा रहा है 60 डिग्री, कितने बराबर 60 डिग्री, देखो यहां बी ए ओ कितने बराबर 60 डिग्री। अगेन क्या कह रहा है एंगल ओ सी डी, क्या ओ सी डी बराबर 110 डिग्री, ये ओ है ये सी है ये डी है, यानी ओ सी डी यानी ये वाला एंगल कितने बराबर कह रहा बाबू 110 डिग्री, कितने 110 डिग्री। अब ये अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है आगे समझिएगा, कह रहा है देन फाइंड एंगल ए ओ सी, ए ये है ओ ये है सी ये है, यानी ए ओ सी यानी कौन सा एंगल निकालना, ये एंगल यानी बीच वाला ही बता देता है एकदम एग्जैक्ट पोजीशन एंगल की, ये ए ओ सी यानी ये एंगल हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो जब आप इसको क्वेश्चंस को आप घर पे कोशिश करना करने की, जब आप करोगे तो ये ऐसे एकदम जैसा लिखा जैसा ड्रॉ है ना एज इट इज ड्रॉइंग पे आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा। तो फिर होगा कैसे, एक छोटी सी चीज को दिमाग में रखना है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन है उसको दिमाग में रखना है क्या, तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, यानी इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा बाबू, ये जो हमारी सी डी लाइन है ना विच इज पैरेलल टू ए बी, इसको हल क्या करना होगा हमें एकदम जैसे सी डी के जो ये क्या है सीडी अभी के पैरेलल है, तो एकदम इसी सीडी से यानी सी से हमें इस लाइन को इस तरह प्रोड्यूस करना है, इस तरह प्रोड्यूस करना है ताकि ये क्या रहे अभी भी इस वाले लाइन के क्या रहे पैरेलल रहे, मतलब क्या करना है प्रोड्यूस्ड सीडी लाइन सीडी इन सच वे दैट इट इज स्टिल पैरेलल टू एबी। तो हमने क्या कर दिया इस लाइन को, लो हमने प्रोड्यूस कर दिया, किस तरह प्रोड्यूस किया, इस तरह प्रोड्यूस करना है कि ये अभी भी ये लाइन जो सी डी है ये क्या रहे ए बी के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन अभी भी क्या हो जाए, यानी ये जो आगे इस वाली लाइन को हमने प्रोड्यूस किया ये अभी भी क्या रहे इसके पैरेलल है, तो लो कर दिया। अब आप यहां देखना गौर से देखना, जब इस लाइन को हमने ऐसे प्रोड्यूस किया तो ये देखो ये ओ ए ओ है, ये देखो ए ओ, ए ओ क्या कर रही है इस लाइन को कट कर रही है, किस वाली लाइन को, तो ये सी डी लाइन को, कहां पे कट कर रही है, तो भैया उसका नाम दे दो एफ जी दे दो एफ दे दो या कुछ भी दे दो जी दे दो कुछ भी दे दो, ठीक है हमने एफ दे दिया, यानी जो ए ओ लाइन है इस सी डी लाइन को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबू तो कहां पे कट कर रही है, देखो इस पॉइंट पे कट कर रही है, साथ ही साथ यही ए ओ लाइन देखो अगर देखोगे अगर इस ए ओ को और आगे बढ़ाते हैं और ये जो लाइन है ए बी है इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हैं तो दिखेगा आपको इस पॉइंट पे भी ये कट कर रही है, कौन लाइन ए ओ, यानी जब तुमको पता है क्या कि ये लाइन यानी कौन ये एफ डी बोलो या सी डी बोलो ये लाइन पैरेलल है ए बी के और उसको क्या कर रही है एक लाइन कौन लाइन AO क्या कर रही है इन दोनों को कट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो आपको पता है अगर दो पैरेलल लाइन अगर दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है तो लाइन क्या कहलाती है बाबू ट्रांसवर्सल कहलाती है, अगर किसी दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन क्या करती है कट करती है तो जो कट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं आप सबको पता होगा ट्रांसवर्सल कहते हैं, जिनको नहीं पता होगा वो क्या कर सकता है पुरानी वीडियो की लेक्चर देख सकता है वो उसमें आपको अच्छे से डीपली समझ में आएगा ट्रांस से किसे कहते हैं, बस इतना सिंपली यहां समझो कि जब भी अगर कोई पैरेलल दो पैरेलल लाइन हो और उसको कोई तीसरी लाइन कट करती तो जो तीसरी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं जो कट कर रही है उसी को ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो यहां कौन कट कर रहा है एओ कट कर रहा है किसको भैया जब हम सीडी को प्रोड्यूस किया यानी एफडी को कट कर रहा है और एबी को कट कर रहा है, देयरफॉर हमारा एओ क्या हो गया ट्रांसवर्सल हो गया। अब आपको यह पता, अब यहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम पहले क्या कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उस उन दोनों पैरेलल लाइन से जो एंगल बनते हैं ना वो दोनों एंगल आपस में यानी जो कोरेस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बाबू बराबर होते हैं, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन थे इनको ये कट कर रही है, तो यहां पे जब दो पैरेलल लाइन को अगर
कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो इन दैट कंडीशन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते ही होते हैं, ये प्रूफ थ्योरम है। यानी थ्योरम क्या होता है आप सभी को पता है, प्रूव्ड होता है, यानी ये बात प्रूव्ड है कि अगर दो पैरेलल लाइनें कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती है उसको, तो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे ही होंगे। यानी जैसे ए ए और एफ क्या है यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। तो ए कितना है 60 डिग्री है, तो एफ भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखो, इसी लाइन को देखो, जो ये डॉटेड लाइन हमने प्रोड्यूस की है इन सच वे दैट इट इज स्टिल पैरेलल टू दिस लाइन, व्हिच लाइन ए बी। तो ये इस लाइन को गौर से देखोगे आप तो आपको दिखेगा जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, और इसी पे एक नेक्स्ट वाला एंगल देखो, ये दोनों एंगल इस वाले लाइन पे है। और तुमको पता है ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम होता है ऑन द सेम साइड एट द सेम पॉइंट, मतलब एट द सेम पॉइंट मतलब ऑन द गिवन पॉइंट, वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। जब ये लाइन को देखो, ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही ना, तो वही कह रहा हूं, सिंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन दिस स्ट्रेट लाइन एट द ऑन द सेम साइड एट द गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। जब तो यानी ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये कितना दिया है 110 डिग्री, तो ये कितना होगा बाबू 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करो देखो अब क्या आ रहा है 180 डिग्री। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है, बात समझ 180 डिग्री होता है, बात समझ आ रही है। और ये तो ये इस तरह भी देख सकते हो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, जब एडजेसेंट एंगल है दोनों क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, या ऐसे देख लो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन देख लो, तो इस पे पूरा क्या होता है ऑन द सेम साइड ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन एट द गिवन पॉइंट कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो ये 110 डिग्री, तो बाकी जो बचा एंगल कितना होगा 70 डिग्री होगा। अब यहां तक तो हमारा हो गया। अब यहां से ध्यान से देखो, ये बस इतनी पोर्शन देखो, ये पूरा देखने जो बस इतना पोर्शन देखो, कितना इतना इतना पोर्शन आपको दिख रहा होगा क्या, एज अ ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा बाबू ट्रायंगल दिख रहा होगा। ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो पहले एंगल का सम पता है हमें क्या है, वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, दूसरे एंगल की भी वैल्यू पता है 70 डिग्री है, तीसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो दो का दिया एक का निकालना है, ये वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एंगल AOC को क्या मान लो एक्स मान लो। तो अगर हम तीनों एंगल को क्या करें करें 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 70 डिग्री, तीन तीनों एंगल यानी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लो, 60 प्लस 70 कितना होता है बाबू, 60 प्लस 70 होता है 130 डिग्री, यानी x डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, हो गया। अब इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू यानी x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और जब इसे माइनस करेंगे तो फाइनली इट विल बिकम 50 डिग्री, यानी क्या आया बाबू 50 डिग्री आ गया, यानी x बराबर x का मतलब क्या इसी को तो x माने हो, यानी एंगल AOC बराबर क्या आ गया बाबू 50 डिग्री आ गया। यानी इस ऑप्शन में देखिए 50 डिग्री कहां है, डी है नहीं, डी नहीं है बिल्कुल, ये तो 40 डिग्री है, ये हमारा ऑप्शन सी होगा, सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो चलिए उसको क्वेश्चंस को उस क्वेश्चन को देखिए, वो भी बहुत आसान है, बस आप ध्यान से अच्छे से वीडियो देखना, आपको एक-एक क्वेश्चंस यहीं से मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा बाबू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये मैं पढ़ दे रहा हूं आपको, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इफ एंगल सी ए बी, कह रहा है कि इस फिगर में जो दिया है इसमें कह रहा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी कौन है बाबू ये है, सी डी कौन है ये, कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है पैरेलल है, क्या है बाबू पैरेलल है। उसके बाद क्या कहता है, इफ एंगल सी ए बी क्या, सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी ए बी यानी ये सी है ये ए है ये बी है, मैंने कहा डायरेक्ट क्या देखो बीच को देखो, यानी ए ए क्या है ये, कह रहा है ए की वैल्यू कितनी 80 डिग्री, देखो यहाँ 80 डिग्री दिखा रहा है। फिर कह रहा है एंड एंगल ई एफ सी, क्या एंगल ई एफ सी यानी एफ की वैल्यू कितनी दे दी है बाबू हमें, एफ की वैल्यू कह रही है 25 डिग्री। अब उसके बाद कह रहा है देन फाइंड एंगल सी ई एफ, कौन सा एंगल फाइंड करना है सी ई एफ, सी ई एफ यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है बाबू, कौन सा एंगल ये वाला एंगल। तो देखो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते जाना इसको कैसे करेंगे। जब ये आपस में दोनों एंगल क्या है, ये दो सॉरी ये आपस में दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, क्या है बाबू पैरेलल है, तो आपको पता है और ये दो पैरेलल और ये क्या दिख रही है हमें, ये लाइन यानी कौन सा लाइन सी डी और ए बी को देखो, तो ये वाली लाइन ए एफ क्या कर रही है कट कर रही है, अगर इसको प्रोड्यूस करो आगे ये देखो, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया, तो देखो ये जो लाइन है ये वाली ये हमारी क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइन को ये कट कर रही है, यानी एएफ हमारी यहां पे क्या हो गई ट्रांसवर्सल हो गई। तो आपको पता है क्या कि जब भी दो लाइन
क्या जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उन दोनों के कॉरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, कॉरस्पोंडिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। देखो तो इसके कॉरस्पोंडिंग ये वाला एंगल हुआ, कौन वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कॉरस्पोंडिंग एंगल है। क्यों कॉरस्पोंडिंग एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन को तो आपको पता है कॉरस्पोंडिंग एंगल, एग्जाम से आपको पता है क्या होता है कि दोनों कॉरस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। तो ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई, होप सो कि समझ में आ रही होगी। और भी बहुत तरीका है करने का, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है ठीक है, तो इसके अलावा ये देखो ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों ये वाला एंगल, यानी कहने का मतलब ये जो ब्लू से मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो सम ऑफ क्या, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। यानी इसका और इसका क्या हो जाएगा, सम कितना, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बट मैंने क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम से हमने इसको क्या करना, सॉल्व करना शुरू किया, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बिल्कुल सिंपल है। देखो अब ये ध्यान से देखो इस लाइन को, किसको, ED को, ये ED पे ही तो ये वाला एंगल बन रहा है 80 डिग्री वाला, और इस ED को और आगे ये वाले एंगल को और ऐसे करें तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो आपको पता है कि क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एट अ गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब किसी स्ट्रेट लाइन पे सेम साइड में एक गिवन पॉइंट पे जो एंगल होते हैं सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये ऑलरेडी 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ऑलरेडी 80 डिग्री है तो कितना और ऐड करना पड़ेगा, 100। देखो अब दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमारी क्या आ गई, एंगल सी आ गया, एंगल एफ आ गया। तो ये पूरा गौर से देखो, ये वाला बस पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखोगे गौर से तो आपको कैसा दिख रहा है, ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या, दो एंगल का हमें वैल्यू पता है, तीसरे एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमें तो दो एंगल का क्या है, दो एंगल की वैल्यू दी हुई है तो क्या कर दो, तीनों एंगल के सम को क्या दिखा दो, 180 डिग्री के बराबर दिखा दो। यानी क्या, 100 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल, ये क्या ई है, एंगल ई है, यही तो एंगल निकालना भी था, यानी एंगल सी ई एफ है, एंगल सी ई एफ बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, आपको सभी को पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता ही होता है। 100 प्लस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 डिग्री प्लस एंगल सी ई एफ बराबर 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, एंगल सी ई एफ बराबर हो जाएगा, ये 125 डिग्री था, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 125 डिग्री करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 55 डिग्री, यानी 55 डिग्री यहां पे कह दिया, हाँ दिया, तो 55 डिग्री इज योर राइट आंसर, 55 डिग्री इज योर राइट एंगल आंसर। बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने कहा इसे भी करा दो तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उन दोनों के द्वारा बनाए गए दो कॉरस्पोंडिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम है, थ्योरम तो प्रूव्ड होता है, आपको पता ही होगा ठीक है। तो यानी यहां पे कॉरस्पोंडिंग एंगल है कौन, ये है और ये है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑलरेडी 80 डिग्री दिया था तो यानी ये भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा। उसके बाद देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये 80 डिग्री ऑलरेडी पता है तो यानी दूसरा वाला कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 100 डिग्री होगा, तो ये 100 डिग्री हो गया। अब ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में दो एंगल पता हो गया, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कैसे, कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, दो एंगल का पता है तो क्या कर दो, तीसरे वाले को भी क्या कर दो, ऐड करके इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख दो, ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तीसरे एंगल की भी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा, बेसिक सा, बट बड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने यहां पे आपको करा दिया। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या है आपका ए बी है, ये क्या है सी डी है, कह रहा है ये आपस में दोनों क्या है बाबू, पैरेलल है, तो ये लो जी हमने पैरेलल की साइड लगा दी है, पैरेलल हो गए। अब क्या कह रहा है, इफ एंगल ए ओ सी, यानी बीच वाले देखो ओ, ओ कितना दिया भाई साहब, 30 डिग्री, देखो है भी 30 डिग्री फिगर में। अगेन क्या कह रहा है, इफ एंड एंगल ओ ए बी, तो बीच वाला देखा होगा सीधे ए, ए कितना कह रहा है, 100 डिग्री, यहां है भी 100 डिग्री। अब कह रहा है देन फाइंड द एंगल OCD, OCD का मतलब ये बीच वाला देखो तो ये क्या है, CA, यानी सीधे C पे चल जाए, ये एंगल निकालना है, कौन सा एंगल बाबू, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है।
तो इस वाले एंगल को आप बिना कंस्ट्रक्शंस के इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको एक छोटी सी बस दिमाग में चीज रखनी है, क्या वो है कंस्ट्रक्शंस, उसको कर लोगे फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो कहां से कंस्ट्रक्शन हमें करना है, चूंकि यहां से करना है, कहां से, ओ से। तो ओ से क्या करो, आप सीधे क्या करो, पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। क्या करो, पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। जब ये ओ लाइन इसके पैरेलल होगी तो ऑटोमेटिक इसके भी होगी, ठीक है। तो चलिए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लीजिए, मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लो पैरेलल लाइन होगी ड्रॉ, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन ड्रॉ हमने कर दिया, किसके पैरेलल किया भैया, ए बी के पैरेलल। ए बी के पैरेलल ये लाइन क्या है, ये ए बी के क्या है, ये लाइन पैरेलल है। इस लाइन का अगर कोई नाम देना तो नाम भी दे लो, ले दिया ओ ई, ई रख दिया नाम। तो यानी ये ओ ई क्या है बाबू, ये वाली ओ ई लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। किस वाले, ए बी के। और ए बी इसके पैरेलल, तो आपको थ्योरम पता होगा, जब दो आपस में लाइन पैरेलल हो और उनमें से कोई एक लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल होती है, तो ये आपस में तीनों क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये आपस में तीनों हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहां से क्या करना है, यहां से सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। वो क्या है कि आप ये देखो, जो ए बी लाइन है और कौन सी ओ ई लाइन है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये ओ ए ओ या ए ओ कहो चाहे ओ ए कहो, ये क्या कर रही है, कट कर रही है। क्या कर रही है, कट कर, किसको, ए बी को। नहीं दिख रहा है, कट कर रही है। चलो देखो, अब दिखेगा आंखों से। इस लाइन को थोड़ा सा हम हल्का सा प्रोड्यूस करते हैं आगे, ठीक है। ये इधर प्रोड्यूस किया, ठीक है। और इसको ओ ई को भी हमने क्या कर दिया, हल्का सा इसको हमने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है। और मैं कह रहा हूं ए ओ इन दोनों को कट कर रही है। लो इसको भी प्रोड्यूस करो, तो आपको अब अच्छे से दिखेगा कि हाँ ए ओ क्या कर रही है, कट कर रही है। जब आपको पता है दो लाइन आपस में पैरेलल हो और कोई लाइन तीसरी उसको कट करती है, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते बाबू, ट्रांसवर्सल कहते। यानी AO हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। और AB और OE क्या है, आपस में पैरेलल है। तो आपको पता है, आप थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। आपको पता क्या है कि जब भी दो लाइन पैरेलल आपस में हो और किसी ट्रांसवर्सल उसको क्या करता है, कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है, तो उस कंडीशन में जो सम कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम होता है बाबू, वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन है, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, ये दोनों आप देखो, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब अंदर, इन दोनों लाइन के अंदर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। और बात समझ आ रही, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक के जस्ट दूसरा, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। देखो इन दोनों लाइन के अंदर में ये वाला और ये वाला एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होता है, ये थ्योरम है कि जब भी दो लाइन पैरेलल और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो इस कंडीशन में जो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर होता है एंगल होता है, उसका जो मतलब कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, वो कितने एंगल, कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑलरेडी ये 100 डिग्री दिया, ये 30 डिग्री दिया है, और होना कितना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये पूरा, ये जो पूरा वाला बड़ा वाला एंगल है, उसी का तो पार्ट ये है ना, छोटा स्मॉल 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, 100 डिग्री है, यानी टोटल मिला कितना हो गया, 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो बचा कितना भाई, 180 डिग्री होना चाहिए, ये पूरा एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दो लाइन जब पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो कितना है, 130 डिग्री। तो ये यानी ये वाला पोर्शन, यानी ये सिर्फ कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना होगा, 50 डिग्री होगा। कितना होगा बाबू, 50 डिग्री हो गया। अब देखो ये 50 प्लस 30 80 प्लस 100 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। देखो ये दोनों, ये लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये यानी ये ट्रांसवर्सल है। अब देखो दोनों के बीच में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, ये पूरा होल, यानी ये पूरा होल, देखो ये पूरा होल कितना आ रहा है, 30 प्लस 50 80 और ये 100 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये काम हो गया। अब फिर से देखिए अगेन, ये लाइन भी तो इस लाइन के पैरेलल है ना बाबू, ये वाले लाइन क्या है, पैरेलल है। और इसी को एक बार फिर से देखो, तो ये वाली लाइन को, ये लाइन देखो सी ओ क्या कर रही है, कट कर रही है। किसको कट कर रही है भैया, OE को, कहां पे, इस पॉइंट पे। और सीधे देखो, ये देखो CD को भी देखो, तो क्या कर रही है, अगर CD को हम प्रोड्यूस करते हैं और आगे तक, लो मैंने कर रहा हूं, तो एट पॉइंट C देखना कौन सी लाइन, OC या CO को, ये क्या कर रही है, कट कर रही है, ये क्या कर रही है, कट कर रही है। यानी देखो ये क्या है, OE है, OE क्या है, पैरेलल है CD के, दोनों आपस में पैरेलल है, उसको कौन कट कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल, वो कौन है, OC। जब क्या होता है, दो आपस में लाइन पैरेलल होती है और उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है कौन, यहां पे कौन कौन है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो आपको दिखेगा ये वाला एंगल जो
50 डिग्री आया और ये वाला एंगल आपस में क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जस्ट इस वाले एंगल के बाद ये वाला एंगल आ रहा है और इंटीरियर में भी है, इंटीरियर का मतलब इन दोनों लाइन के अंदर में। देखो ये दोनों लाइन के अंदर में है कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऑलरेडी एक का दिया है 50 डिग्री तो दूसरे का कितना होगा, दूसरे का कितना होना चाहिए वैल्यू कि 180 डिग्री हो जाए। ऑटोमेटिक आपको पता है कि 130 डिग्री होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 130 डिग्री। अब देखो दोनों को प्लस करो, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 130 डिग्री को ऐड करोगे तो कितना आएगा बाबू, 180 डिग्री आएगा। यानी कहने का मतलब ये देखो, यहां ये चीज देखो, ये आप ये देखो, ये पूरा पोर्शन देखो, यहां तक ये चीज देखो, देखो ये देख रहा लाइन, ये मैंने जो डॉटेड था उसको मैंने उसको वो कर दिया, पूरा बोल्ड लाइन बना दिया। ये वाली लाइन, ये लाइन के बीच में देखो, ये वाली लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रही है, कि यहां पे कट कर रही है और इस वाले को यहां पे कट कर रही है। और ये वाली तुम्हारी एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, दोनों इंटीरियर हो गया, साथ ही साथ क्या हो गया कॉन्सिक्यूटिव, इसके बाद ये वाला एंगल है। तो हमको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन होती है और कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता ही होता है। तो ऑलरेडी ये 50 डिग्री था तो ये कितना होगा, ऑटोमेटिक पता है कि जब दोनों का सम मिला के यानी दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा तो ये 50 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा ही होगा। इस वजह से ये जो एंगल है, एंगल कौन सी, यानी एंगल सी कह लो या ओसीडी कह लो, और ओ क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 130 डिग्री होगी। और निकालना भी किसकी वैल्यू थी, ओसीडी की यानी एंगल सी की, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। तो आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा, यहां ए में दिया है 130 डिग्री, तो आपको ए पे क्या कर लेने होंगे, टिक लगा लेने होंगे, 130 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक के सारे क्वेश्चन में से वो भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, तो हो सके इस बार भी आए एज एमसीक्यूज, तो उसको भी आप देख लो आराम से। चलिए तो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए एक बार। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, कह रहा है इस फिगर में क्या दिया है, ए बी, ए बी कौन है बाबू, ए बी यानी ये लाइन और सी डी यानी ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। चलिए ये बात ये क्वेश्चन में आपको दिए कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। उसके बाद कहती क्या है, कहता क्या है, इफ एंगल ई ए बी, क्या बाबू ई, बीच का देखा करो, ए सीधे पहुंच जाओगे एंगल पे, ए कह रहा 50 डिग्री, देखो यहां है भी 50 डिग्री, एंगल एंगल ई ए बी यानी ये एंगल कितना है 50 डिग्री है। फिर कहता है एंगल ई सी डी 60 डिग्री है, ई सी डी यानी ई सी डी यानी ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, सीधे बीच वाले को देखा करो सी, तो देखो सी पे कितना 60 डिग्री है। निकालना क्या ए बी, ए बी का मतलब सीधे बीच वाले थे, ई निकालना है, यानी हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, कौन वाला, ये वाला एंगल। तो देखिए आपको ये पता है ऑलरेडी, ये दिया हुआ है किताब में क्या कि ये दोनों आपस में पैरेलल है और हमारी आंखों से दिखेगा, देखो नहीं दिख रहा है तो आप लोग ध्यान से देखना यहां से, कि अगर इस वाले लाइन को और थोड़ा सा नीचे प्रोड्यूस करते, लो प्रोड्यूस किया, और इस वाले लाइन को भी हमने क्या कर दिया, थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया, ऊपर प्रोड्यूस कर दिया। अब ये लाइन देखना कौन बी सी या सी बी करो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देखना, अगर इसको प्रोड्यूस करोगे तो आपको दिखेगी क्या कि ये कट कर रही है किसको, इन दोनों पैरेलल लाइन को। तो आपको पता है कि भैया जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब समझ लो क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है उस ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में। देखो ये ट्रांसवर्सल है ना भाई, दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो ये वाली पैरेलल आपस में है और इनको कौन कट कर रही है, ये BC कट कर रही है, तो BC तुम्हारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, BC हमारी क्या हो गई बाबू, ट्रांसवर्सल हो गई। अब जब दो लाइन आपस में पैरेलल है उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो आपको पता है ये थ्योरम है कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो और उनको इंटरसेक्ट करे कोई ट्रांसवर्सल तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट का मतलब होता है कि ये लाइन के अपोजिट साइड, जैसे ये एक एंगल इस साइड है तो दूसरा एंगल यानी ये लाइन है, ये लाइन यानी एक साइड इधर एक एंगल होना चाहिए, दूसरा एक इधर होना चाहिए। तो देखो अल्टरनेट का मतलब अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, तो साइड्स की लाइन की दो साइड्स हैं, एक ये साइड है एक ये साइड है, यानी एक एंगल इधर हो तो एक एंगल इस साइड में हो। तो देखो अल्टरनेट का मतलब समझ में आ गया, अल्टरनेट भी हो इंटीरियर हो, यानी इंटीरियर का मतलब दोनों एंगल क्या हो, इन दोनों लाइन के अंदर ही हो, बाहर ना हो, इन दोनों लाइन के अंदर। देखो ये एंगल जो है इन दोनों लाइन के अंदर है, और दूसरा एंगल ये देखो, ये वाला एंगल देखो, ये भी क्या है, ये दोनों लाइन के अंदर में है, और साथ ही साथ देखो ये अपोजिट साइड में है, ये वाला इस साइड के है लाइन में और ये वाला इस साइड के है लाइन में। तो यानी ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों एंगल है अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और हमने बताया कि जब भी दो पैरेलल लाइन हो उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, यानी ये जितना है इतना ये भी हो जाएगा, ये कितना है बाबू 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अभी हमें निकालना क्या था, ये हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि ताकि क्या हो जाए, हम लोग क्या कर लेंगे ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज जो लगा के इसको फाइंड कर लेंगे इजीली। अब हमें पता है क्या, ये पूरी ये फिगर देखिएगा बस यहां तक,
ये पूरा यहां तक देखो तो ये क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में दो एंगल दे चुका है तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा कैसे भैया क्योंकि तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है तो इसको ऐड करो कितना आ रहा है 110 आ रहा है और 110 में को क्या करो 180 डिग्री से माइनस करो 180 डिग्री से माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया 70 डिग्री आएगा कितना आएगा 70 डिग्री आएगा भैया पता है ये तीनों एंगल ये देखो ये एंगल है ट्रायंगल का ये तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री ऑलरेडी ये दो दिया है तो ऑलरेडी दो दिया है और तीनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री तो 50 प्लस 60 करने पड़े 110 डिग्री आ रहा है यानी और कितना होना चाहिए कि तीनों को मिला के 180 डिग्री हो जाए 70 डिग्री यानी तीसरा वाला एंगल कितना होना चाहिए 70 डिग्री होना चाहिए थर्ड एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए 70 डिग्री होना चाहिए यानी आंसर क्या आ रहा है यानी कहने का मतलब ई का मतलब क्या एंगल ए ई बी यानी ये एंगल और ये एंगल तो पूछ रहा था ये एंगल की क्या ये वैल्यू 70 डिग्री आ रही यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सी इज इक्वल टू क्या दिया आपका 70 डिग्री दिया है तो ये वाला क्वेश्चन भी होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप लोगों को ऐसे समझ में तो ऐसे देख लो इस वाले एंगल को अगर हमें नहीं पता है तो इसको x मान लो क्या मान लो बाबू x मान लो ठीक है अब तीनों क्या है ट्रायंगल ये वाला एंगल तीनों क्या है ट्रायंगल के एंगल है इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री तो लिखो x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या 180 डिग्री ये 50 प्लस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा बाबू 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री अब ये भी डिग्री में है ये भी डिग्री में है बात समझ में आ रहा है तो डिग्री को डिग्री के साइड लेके जाओ इसको इधर ले जाओ इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री यानी एंगल ए ई बी की वैल्यू क्या आ रही है 70 डिग्री तो ये ऑप्शन में आप लोग को क्या लगाना होगा टिक 70 डिग्री पे लगा देना है टिक ये क्वेश्चन होप सो कि ये भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं उसको भी प्लीज ध्यान से देखना वो भी क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी है एज ए एमसीक्यू आने की ठीक है तो चलिए उसको करते हैं तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ कह रहा है इन द गिवन फिगर ए इन द गिवन फिगर एंगल ओ ए बी कह रहा है एंगल ओ ए तो सीधे बीच का देखो ए ए इज इक्वल टू 75 डिग्री देखो 75 डिग्री यहाँ पे है फिर कह रहा है एंगल ओ बी है सीधे बीच का देखो बी एंगल बी कितना दिया 55 डिग्री देखो यहाँ एंगल बी क्या है एंगल बी कितना है 55 डिग्री है ये फिर कह रहा है एंड एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 100 डिग्री यानी ओ सी डी का मतलब क्या ओ सी डी यानी ये कितना दिया है 100 डिग्री दिया है बिल्कुल दिया है यहाँ पे 100 डिग्री अब कह रहा है देन फाइंड एंगल ओ डी सी क्या निकालना ओ डी सी तो सीधे बीच वाले को तो डी यानी ये निकालना है क्या निकालना है ये हमें एंगल निकालना है ओ डी सी यानी ये वाला एंगल निकालना है ठीक है बात समझ में आ रही है अच्छा अब यहां इस गिवन फिगर में ध्यान से देखिए तो यहां ए बी पैरेलल कह नहीं रहा है कि ये वाला पैरेलल इसके पैरेलल है ये चीज इसके पैरेलल है नहीं तो जब ये पैरेलल नहीं दी है तो हम लोग क्या कर पाएंगे यहां पे थ्योरम की जो थ्योरम होती है लाइंस एंड एंगल्स की जो थ्योरम है उनका इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं एंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको निकालेंगे किसको तो एंगल डी को निकालेंगे और एंगल डी निकालना ही है हमें यहां पे तो एंगल डी निकालना है तो चलिए ध्यान से देखिए अब यहां पे ये देखिए कि ऑप्शंस क्या दिया है ऑप्शंस मैं आपको लिख देता हूं यहां पे ऑप्शंस दिया है 20 डिग्री ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू कितना दिया बाबू बी इज इक्वल टू 25 डिग्री दिया है सी इज इक्वल्स टू कितना दिया है सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया है डी इज इक्वल्स टू कितना दिया है तो 35 डिग्री दिया है अब हमें निकालना क्या है एंगल डी की वैल्यू निकालनी है तो आप देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये इतना देखो ये पोर्शन देखो ये वाला ये इतना पोर्शन देखो आप ये वाला पोर्शन देखो तो ये आपको क्या दिख रहा होगा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और ट्रायंगल में दो एंगल क्या है हमें नोन है यानी मतलब नोन का मतलब क्या दिए गए हैं तो तीसरा एंगल क्या नहीं निकाल सकते आराम से निकाल सकते क्यों क्योंकि हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है तो ये दोनों दिया है तीसरा निकाल लेना है तो चलिए यानी क्या निकालना है ये वाला एंगल तो आप इसको x मान लो यानी ये तीनों एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बाबू 180 डिग्री तो लिख लो x + 75 डिग्री प्लस 55 डिग्री क्या बाबू 55 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री क्यों क्योंकि तीनों एंगल ये क्या है ट्रायंगल के और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता ही है अब 75 को किसमें 55 में ऐड करो तो कितना होगा बाबू तो ये हो जाएगा x प्लस 130 डिग्री हो जाएगा कितना हो जाएगा 130 डिग्री यानी x प्लस 130 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री देयरफॉर x इज इक्वल टू x इसको माना x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी क्या आ जाएगा फाइनली ये 50 डिग्री यानी हमारा जो ये एंगल है कौन सा इसको कह लो बी ओ ए कह लो या डायरेक्टली कह लो एंगल ये ओ यानी बी ओ ए वाला एंगल कितने आ गया यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री यानी ये हमारा एंगल कितना हो गया 50 डिग्री हो गया ये ध्यान से देखिएगा ये दो लाइन
किसको किसको, तो ये BD, ये वाली लाइन, ये BD और AO क्या हो रहे हैं आपस में, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो थ्योरम क्या कहता है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट है ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट, पॉइंट O पे, ये क्या है, पॉइंट O है। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है बाबू, तो याद रखिएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट बन रहा है, यहां टू पेयर ऑफ वर्टिकल, देखो ये वाले एंगल के अपोजिट ये वाला है, ठीक है, यानी ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ये, और ये वाले एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि ये थ्योरम है, कहते हैं कि जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं आपस में बराबर होंगे। यानी जब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा, यानी 50 डिग्री होगा। अब फिर अगेन आ जाओ, हमें निकालना क्या है, इस वाले की वैल्यू निकालनी है, तो हमें जब दो की वैल्यू पता है तीसरे की नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल ले, क्यों, क्योंकि ये हमें क्या दिख रहा है, एज अ ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। पहले का दिया है, पहले की वैल्यू दिया 100, दूसरी की वैल्यू दिया 50, तो तीसरी की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, तो भैया देखो 100 प्लस 50 करो तो 150 हो जाएगी, और ये वाला कितना हो जाएगा, अब इसको ऐसे जोड़ो कि तीनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री। तो देखो यहां हम 30 डिग्री रखेंगे, अब तीनों को जोड़ो तो क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। यानी अगर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम होती है तो इसको एक्स मान लो। अब तुमको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। इन तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलस हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल, बात समझ में आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसको मैंने x मान लिया, यानी x plus 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, यानी तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखो 100 प्लस 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इस वाले डिग्री को इस वाले डिग्री के साइड लेकर चले जाओ, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी इधर ये क्या है, प्लस 150 डिग्री, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 150 डिग्री हो जाएगा। माइनस कर लो, 180 डिग्री में से माइनस करोगे 150 डिग्री तो क्या आएगा बाबू, 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जो आ रहा है, अब आप ऑप्शंस में देखो 30 डिग्री कहां थे, ऑप्शन सी इज योर 30 डिग्री, तो यहां पे हम लोग क्या लगा लेंगे, ऑप्शन सी पे टिक लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन सी की वैल्यू क्या दी है, 30 डिग्री, और हमें यही तो निकालना थी ना, कौन सा, ओडीसी निकालना था, देखो एंगल ओडीसी, तो बीच का डायरेक्ट देखा करो, बीच से, यानी डी वाला निकालना, यानी ये निकालना था। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, क्या आई वैल्यू, 30 डिग्री। तो ऑप्शन दिया रहेगा, एमसीक्यू दिया रहेगा, सी वाले को आप क्या कर दोगे, टिक लगा दोगे। आज की क्लासेस बस यहीं तक के लिए, अगर आपको इसके अलावा भी किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चंस को आप लोग डाल सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, उसका भी मैं सॉल्यूशंस इस वीडियो के माध्यम से आपको बना के आपको समझा सकता हूँ और समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो आज की बस क्लासेस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए बाय।